इंस्ट्रूमेंट्स मंच पर हैं और ये डिवाइन ऑर्केस्ट्रा सचमुच में एक ऐसी फीलिंग देगा आपको, आप अनुभव करेंगे कि आप किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। इसे अकाल कॉलेज ऑफ डिवाइन म्यूजिक एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ू साहब के बच्चे जो हैं पेश करेंगे। और डिवाइन ऑर्केस्ट्रा की जब बात करते हैं तो ये मंत्र मुग्ध तो हमको करता ही है, एक डिवाइन फीलिंग भी हमें आ जाती है। और ऐसी फीलिंग आना भी स्वाभाविक है क्योंकि संगीत जो है वो हमारे भीतर तक असर करता है और धीरे धीरे हम संगीत में डूबते चले जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये कोई और ही दुनिया है। और यहाँ जब आप सेकलेंस फेस्टिवल में आते हैं तो ये दुनिया भी बिल्कुल अलग सी है क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेड चीजें यहाँ देखते हैं और महसूस करते हैं कि किस तरह से सब कुछ धीरे धीरे बदल सा रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वी द स्टूडेंट्स ऑफ अकाल अकेडमी बड़ू साहेब आर गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू अ म्यूजिकल बोनांसा ऑफ सिक्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड गुरमत संगीत। Before we start, I would like to introduce the instruments which are being used in the bonanza. The first instrument is taus, from the heart of Guru Gobind Singh Ji. The taus is the blessing of the 10th Guru Gobind Singh Ji. As a master of Persian language, he named this glorious instrument taus, which means the peacock in Persian. This was an instrument designed and played by the great Guru himself. Rabab, the shadow of Guru Nanak Dev Ji. The Rabab of Guru Nanak Dev Ji followed him as his shadow for more than 27 years on his travel around the world. Played by his beloved companion Bhai Mardana. Dear all, please note that this was the start of Sikh tradition of singing Shabad Kirtan with string instruments. Dil Rubab, the soulful heart stealer. Like the Taus, Dilruba was blessed by the 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. It is another instrument that he designed and created. Saranda, the blessing of the soul. The Saranda is created and also played by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan Dev Ji. He instructed his followers to practice and share the singing of sacred Shabad with this instrument to elevate the soul. Sitar. Sitar has been in use since many years as it is the most popular melodious instrument in North Indian classical music and shared the singing of sacred Shabad with this instrument to elevate the soul. This instrument is derived from the ancient Veena, which was modified by Mughal court musician. Sarod. The Sarod is modern ancient rabab and most popular and prominent in Indian classical music. Tabla. Last but not the least, we have tabla on this side. It is the sound of tabla that makes the music move and music is vacuum without the beats of tabla, which is rhythm. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Thank you.
से जोरदार डिवाइन ऑर्केस्ट्रा में हम सब ने फील किया होगा कि डिवाइन चीज क्या होती है, और ऑर्केस्ट्रा जब बजता है और खासतौर पर जो इंस्ट्रूमेंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं कि इनके भीतर क्या है और किस तरह से ये हमें छू कर चले जाते हैं और जगा देते हैं हमारे भीतर का अंदर, कि हम अंदर से क्या हैं, बाहर से क्या हैं, हम खुद ब खुद बदलने लगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी फीलिंग्स हमारे मन में आती हैं और हम खो जाते हैं। और यही जरूरी है कि हम थोड़ा सा भीतर से जागना शुरू करें, और यही रहती है कि जब भीतर से जागेंगे तो सेवा भाव आएगा, मानवता की सेवा के प्रति हम और जागरूक होते चले जाएंगे। और अब मेरा अनुरोध रहेगा सिकलेंस के फाउंडर बिकी सिंह जी और गुरप्रीत कौर जी मंच पर आए, और साथ ही ओजस्वी शर्मा हमारी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी आ जाएं मंच पर, और अकाल अकेडमी के जो सदस्य हैं यहाँ हमारे बीच में हैं वो भी आ जाएं, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब चंडीगढ़ जो उनके वहां से मैनेजमेंट कमेटी के लोग हमारे बीच में हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। आपने
Thank you.